प्रशासन के द्वारा हम लोगों पे लाठी डंडे चार्ज किए करके प्रशासन के द्वारा जी जी लाठी हम लोग का सेशन ऑलरेडी एक साल लेट हो चुका है। हम लोग का अगले साल गेट का एग्जाम है। आप लोग पीछे हो गए, बहुत पीछे हो गए। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, चलो इसके कॉलेज को फोन लगाओ, इसको रेस्टिकेट करवा देंगे, इसको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अंदर ये होता है जी, ये डराया जाता है अंदर में, कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यू जैसे यहाँ पे बेरोजगार इंजीनियर बनते हैं बिहार में, और यहाँ इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति है आपको तो पता है सब कुछ। ऑनलाइन क्लास में कोई गाना चला देता है, बहुत ऐसे गाँव के बच्चे हैं जिनके पास टावर नहीं है, टावर नहीं पहुंच पाता है, तो वो सब कैसे पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, एक ही यूनिवर्सिटी के गेट पे आपको एक तरफ प्रशासन दिख रही होगी और एक तरफ छात्र दिख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि छात्र को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और जब हम सवाल कर रहे हैं तो हमें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी तो अंदर नहीं जा, एक की मनमानी नहीं चलेगी। हम मीडिया वाला सबको अंदर जाने दिया जाए, मीडिया को लोग के सामने अगर बात करें। आप देख सकते हैं कि एक ही यूनिवर्सिटी का नजारा है ये, जो कि पुलिस प्रशासन अंदर भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। जब छात्र बात करना चाह रहे हैं तो छात्र को बात नहीं करने दिया जा रहा है। जी हाँ, नजारा एक ही यूनिवर्सिटी का है जहाँ बवाल ही बवाल हो रहा है। मांग क्या है, रोज क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग का ना अभी बहुत लेट हो गया सेशन, हम लोग का अभी प्रमोट करना चाहिए। देखिए, AICTC अंतर्गत हम लोग का झारखंड प्रमोट कर दिया, पर बिहार प्रमोट हम लोग को नहीं कर रहा है। तो आप लोग को प्रमोशन चाहिए? हाँ सर, सर एग्जाम दिए हम लोग को, हम लोग एग्जाम दिए हम लोग, एक मिनट, बार बार चेंज कर दी जा रही है, तारीख पे तारीख चेंज हो रही है हम लोग को, तारीख पे तारीख चेंज। हम एक मिनट, हम लोग 17 तारीख को एग्जाम देने को तैयार थे, हम लोग 17 तारीख को सब आदमी एग्जाम देने को तैयार थे। विश्वविद्यालय फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कौन सा AICTE का गाइडलाइन फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पूरी बातें सुनिए, क्या हुआ है आज तक हम लोगों के साथ, क्या होते आया। सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी द्वारा सेकंड सेमेस्टर, हम लोग ऑलरेडी पहले 8 महीने लेट थे, उसके बाद 2 महीने इधर लेट कर दिया, 10 महीने हो गया हम लोगों का। जो सबसे पहले 27 का हम लोगों को नोटिस निकाला था कि आप लोगों का 27 से शेड्यूल है, आप लोग एग्जाम दीजिए। उसके बाद हुआ क्या कि यूं ही कुछ चलता रहा कि बताया, उसके बाद है 6 तारीख को आप लोगों का फिर गृह विभाग का नोटिस आता, उसके अनुसार से फिर हम आप लोगों कौन से ईयर में, मैं भी सेकंड फर्स्ट ईयर में ही हूँ, सेकंड सेमेस्टर में। पूरी बात सुनिए पहले, उसके बाद फिर गृह विभाग का नोटिस आएगा, गृह विभाग के नोटिस का हम लोग वेट किया, उसके बाद कर दिया 17 तारीख को एग्जाम का डेट 17 तारीख को। फिर हम लोगों का, उससे पहले हम लोगों का प्रोटेस्ट 9 तारीख को हुआ कि आप हमारे सेशन को मैनेज कीजिए, बोलिए आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया, आप एग्जाम दीजिए। फिर हम लोग सोचे, हम लोग चले गए यहाँ से प्रशासन के द्वारा, हम लोगों पे लाठी डंडे चार्ज किए करके, प्रशासन के द्वारा जी जी लाठी हम लोग का सेशन ऑलरेडी एक साल लेट हो चुका है। हम लोग का अगले साल गेट का एग्जाम है। आप लोग पीछे हो गए, बहुत पीछे हो गए, बहुत पीछे हो गए। नियम आया है कि जिससे हम लोग का सेशन जो लेट है उसको लेवल पे लाना चाहिए और हम लोग को प्रमोट कर दिया जाए, और इसी अंतर्गत AICTE के नियम के साथ पढ़ाई ही नहीं हुआ तो एग्जाम कैसे होगा, आप ही बताइए। नहीं हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई हुआ तो ऑनलाइन एग्जाम को ले। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और बोला जाता है कि हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम लेने की कोई सुविधा ही नहीं है, यही बिहार का यही सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी टेक्निकल, यही सारे सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, 26 कई छात्र हैं। 2020 से 24 सेशन है मेरा, अभी एक साल पीछे मेरा सेशन, बल्कि फोर्थ सेमेस्टर में हमको रहना चाहिए, सेकेंड ईयर में जाना चाहिए, बल्कि हमको फर्स्ट ईयर में लटका कर रखे हुए हैं। ये एक्टिव यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बोल रहा है कि ऑनलाइन का सुविधा नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाने का सुविधा। आज दूसरे यूनिवर्सिटी से सो फोर्थ सेमेस्टर में चला गया है और अभी हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में है। प्रशासन बोला है कि 5 बच्चा जाएगा अंदर मिलने, और मीडिया के साथ हम बोले हैं कि जाना चाहिए, और ये लोग बोल रहे हैं नहीं मीडिया नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं मीडिया के सामने जो बात होगी मीडिया के सामने बात होगी। तो आप लोगों को मारा जाता है? बहुत 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 मारा जाता है ना, पूरा प्रशासन देखिए कितना बुलाया गया, पूरा प्रशासन, ये प्रशासन आपको एक तरफ दिख रहा होगा, और ये लोग प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते आए हैं, रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग इतना कि पढ़ाई नहीं हुआ तो एग्जाम क्यों? एक मीडिया का अंदर ले जाएंगे। आप देखिए, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रमोट कर सकता है तो हम लोग का एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं प्रमोट कर सकता है? फोर्स लेके आ जाते हैं विद्यार्थी पे दबदबा डालने के लिए। आंसू गैस भी आया था पिछली बार, इस बार नहीं आया, पिछली बार आंसू गैस भी आया था। छात्र हैं कि हम लोग आतंकवादी हैं? आतंकवादी नहीं ना है कि बार बार आएंगे यहाँ प्रोटेस्ट करने। आप बोलिए, छात्र को आतंकवादी बनाकर रखा हुआ है। आप बताइए कि मांग क्या है आपका? मांग हम लोग की है कि ऑलरेडी सेक्शन लेट है, प्रमोट का पढ़ाई भी नहीं हुआ है,
प्रमोट करके हम लोग को अगला सेमेस्टर में भेजा जा रहा है। झारखंड प्रमोट कर जी पीछे हो गए, एक साल पीछे कंटिन्यू हम लोग हो चुके हैं। आप लोग जब यहाँ आते हैं तो आप लोग के साथ क्या होता है? प्रशासन द्वारा मारपीट होता है हम लोग के साथ, मारपीट होता है। ये मिलाकर हम लोग का चौथा प्रोटेस्ट है, ठीक है। तीन प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज खाकर मार खाकर जा चुके हैं। इस बार 17 तारीख को हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार थे, ठीक है। दो दिन पहले एक यू जारी करता है नोटिस, जो 17 से एग्जाम था उसको 26 कर दिया गया, ठीक है, 26 कर दिया गया। लेकिन यहाँ के रजिस्ट्रार साहब बोले थे अगर एएसआरटी अप्रूव, तो हमेशा लाठी चार्ज होती है, उसके बावजूद आप लोग अपना गेट पे रहने नहीं दिया जा रहा है, गेट पे रहने नहीं दिया जा रहा है कॉलेज के। 17 से परीक्षा था हमारा, 28 से हो गया, 27 से परीक्षा हो गया है। लेथ मशीन सर दिखाते हैं ऑनलाइन, और क्लास में पूछते हैं कि लेथ मशीन काम कैसे करता है। हाँ अभी क्लास में क्या करें हम, क्या ऐसे क्लास होगा तो क्लास में हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे? क्लास हो रहा है, देखिए एक ये क्लास हो रहा है या तो कैसे आप पढ़ाई नहीं किए हैं? आप देखिए ये लोग जो छात्र हैं वो हमें कह रहे हैं, देखिए ये लोग का जोश पूरा हाई है, क्योंकि ये लोग क्या साफ कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हुआ है तो परीक्षा क्यों, और अगर हो रहा है तो लेट क्यों? लेट हो रहा है तो ऑनलाइन एग्जाम या तो प्रमोशन होना चाहिए। सेशन एक साल लेट हो चुकी हम लोगों की। देखिए आप लोग रोज आते हैं और रोज आप लोग पे लाठी चार्ज होता है, कुछ ना कुछ होता है। 5 लोग अंदर जाते हैं, क्या होता है अंदर? अंदर में होता क्या है कि सर सबसे बड़ी बातें हैं ये है कि वहाँ पे पहले सबसे पहले कहता आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, चलो इसके कॉलेज को फोन लगाओ, इसको रजिस्ट्रिकेट करवा देंगे, इसको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अंदर ये होता है जी, ये डराया जाता है अंदर में। मैं पिछले बार छात्र डरते हैं अंदर जाने से, अंदर जाने से मुझे जाते जाते एग्जाम कंट्रोलर सर कहते हैं तुमको बोल रहे हैं तुम नहीं सुनोगे, तुमसे बात नहीं करना हमको। अब हमसे बात नहीं करिएगा, हम आपके छात्र हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमसे बात नहीं करिएगा तो किससे बात करिएगा आप? यहाँ पे यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, छात्रों को इतना दिक्कत क्यों? इसीलिए क्योंकि देखिए अभी हम लोगों का अगर जो 12 महीने सेशन लेट रहेगा तो क्या होगा? टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो 12 एक साल पीछे हैं आप। हाँ 15 टोटल 15 महीने हम लोग लेट हैं। 15 महीना तो जो छोटे भाई होंगे वो आपके साथ हो गए? यस साथ होगा, मतलब सीनियर जूनियर का कोई खेल ही नहीं, कोई खेल नहीं है, सब साथ, कुछ बचा ही नहीं है। भैया भी नहीं बोलता होगा कोई? नहीं कोई नहीं बोलता सर, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं, ये सब चीज बचा ही नहीं है। एक साल तो सेशन लेट हो गया, भैया कौन बोलेगा? सेम एज हो गए, नहीं पीछे हो गए। सपने तो बहुत देखे होंगे आप लोग, सपने बहुत, कॉलेज के बाद ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यू जैसे यहाँ पे बेरोजगार इंजीनियर बनते हैं बिहार में, और यहाँ इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति है आपको तो पता है सब कुछ, तो हम लोग का वही होगा जो आज तक होते आया। थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हम लोग को बोला गया है मार्च अप्रैल या मई जून में लेगा, ऐसा उस दिन बोला था 9 तारीख को। भाई चांदर जो थे आए हुए थे बोले मई जून में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम लिया जाएगा। आप लोग एक ही चौथी बार आ रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ, चौथी बार आ रहे हैं, और एक बार आप यहाँ से आए? बिल्कुल हम सहरसा से आए हैं सर। आप मधुबनी सुपौल कॉलेज कहाँ से आए? हम मुजफ्फरपुर से हैं, छपरा इंजीनियर पटनाई से। पटनाई से आप कहाँ से आए? मधुबनी से। तो इतनी दूर से आप लोग बस आवाज उठाने आए कि परीक्षा लेट मत लो, लेट मत लो। हम लोग का सेशन बहुत लेट चल रहा है, हम लोग के जो साथी हैं वो फोर्थ सेमेस्टर में, अभी हम लोग नियम से चलता तो फोर्थ सेमेस्टर में। आपने जो कहा कि अंदर बुला के आप लोग के साथ ये सब जरूर होता है सर, क्यों नहीं होगा? ये सब तो होता ही है। ये दिखाइए, जब झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रमोट कर सकता है AICT के नियम के अनुसार, तो एक ही यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर सकता है? मेरा यही मांग है। इतना लेट चल रहा है सेशन, ऑलरेडी सेशन, कोई कहता पढ़ाई नहीं होता है। देखिए ऑनलाइन क्लास में कोई गाना चला देता है, बहुत ऐसे गांव के बच्चे हैं जिनके पास टावर नहीं पहुंच पाता है, तो वो सब कैसे पढ़ेंगे? आप लोग कैसे पढ़े? हम लोग तो जैसे तैसे पढ़े हैं, कुछ पढ़े नहीं, कुछ नहीं पढ़े हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हुआ है। अच्छा से ऑनलाइन क्लास पढ़ाई नहीं हो रहा, ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज रहता है। आप बताइए, आप ही एक लड़की मुझे लग रहा है यहाँ पे आई हैं, आप बताइए कि चौथी बार आ रही हैं, पहली बार आ रही हैं? पहली बार आ रही हूँ। पहली बार तो आपका वही मांग कि एग्जाम क्या? हमारा मांग है कि प्रमोट किया जाए, और जितना नेक्स्ट का एग्जाम है उसको एक टाइम टेबल बनाकर लिया जाए, और सबका एक कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर बनाया जाए। अभी हम लोग का आप अकेले प्रोटेस्ट करने आए हैं, अपने किसी परिवार के साथ? नहीं, अपने क्लासमेट लोग के साथ आए हुए हैं। तो ये हम लोग का मांग है कि अगस्त में हुआ था कि AICT का नोटिस आया था कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और अभी इस टाइम में हम लोग का सेकेंड सेम का एग्जाम नहीं हुआ है, और अभी एक महीना एग्जाम मिलेगा। आप कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर। हम सबके साथ हैं, हम अभी फर्स्ट ईयर में, हम सेकेंड सेमेस्टर में हैं। तो फर्स्ट ईयर में हैं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तो कॉलेज ये सब करा रहा है?
जी बिल्कुल मजबूरी में बिल्कुल। AKU को इतना भी नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम भी ले जा सकता है, इतनी भी क्वालिटी नहीं है AKU में, ये नहीं समझ में आता है। जब तक वो ऑनलाइन का सिस्टम नहीं करेंगे तब तक हम लोग का सेमेस्टर और लेट होगा, क्योंकि हमेशा कोरोना आएगा, हमेशा ऐसा ही ऑनलाइन फैसिलिटी इतना बड़ा। अभी अदर स्टेट में जाइएगा, अदर स्टेट में मैनेज कर दिया है तब ना वो इतना डेवलप है। हम क्यों आज हम ITCMR का रिपोर्ट देखते हैं। अभी हम मतलब इंटर्नशिप के लिए गूगल में अप्लाई किए थे, मेरा सेकेंड राउंड तक निकल गया, उसमें वो रिजल्ट नहीं है। नहीं, सेकेंड ईयर के लिए था और मेरा सेकेंड सेम का भी रिजल्ट नहीं है, तो वो हमको किस बेसिस पे सेलेक्ट। देखिए फर्स्ट ईयर के छात्र यहाँ जुटे हुए हैं, AK यूनिवर्सिटी का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। सबका मांग यही है कि एग्जाम लिया जाए जल्दी। जी हाँ, प्रशासन आपको दिख रही होगी गेट पे तैनात है और छात्र जो हैं वो दूर दूर से आए हैं, अपने घर से आए हैं कि उनका एग्जाम लिया जाए, क्योंकि वो लोग पीछे हो गए हैं और पढ़ाई हो नहीं रहा। सही बात है, प्रमोट कर सेक्शन मैनेज किया। ये लोग जब आते हैं तो प्रशासन जो है वो देखिए आप दिखा रहे हैं कि गाड़ी पे गाड़ी है और सब पे लाठीचार्ज होते हैं, और छात्र कितना गरमाए हुए हैं वो भी आपने सुन लिया। देखना यह है कि इनका प्रोटेस्ट रंग लाता है या नहीं लाता, एग्जाम होता है या नहीं होता। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।